व्यूवर्स मेरे साथ साथ जो दूसरे चैनल्स लेके डालते हैं उसके अंदर मैं देखता हूँ, कोई वीडियो 7 लाख लोग देखते हैं, कोई 5 लाख लोग देखते हैं, तो मुझे खुशी होती है कि मेरी बात लोग सुन रहे हैं और समझ रहे हैं इस वजह से। और देखता हूँ ये भी हूँ खास करके कि उसके अंदर बैड कमेंट बहुत कम आते हैं। पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन करें साहब? आप तो एक स्पोर्ट्समैन थे, बॉडी बिल्डर थे ना साहब, जी हाँ, क्यों ज्वाइन करें इस बार? खास वजह? बिल्कुल, बहुत खास वजह है। मैं क्योंकि मैं अपने जिंदगी बॉडी बिल्डिंग और अपने बिजनेस में गुजारी है, ऑल ऑफ सडन में पॉलिटिक्स में आने का मेन मुद्दा भी यही है कि जो मुझे नफरत भरी तकरीरें जो चल रही है MLS के, खास करके जो वोट के नाम पे आज हमारे बीच ऐसा जहर बोया जा रहा है जिससे गरीब, चाहे वो कोई भी मजहब का हो, उसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है, चाहे वो मुस्लिम्स को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कहीं इक्का दुक्का हिंदू को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मगर ये हिट पॉलिटिक्स की तरफ से, ये नफरत भरी तकरीरों की तरफ से और ये मजहबी वोट की तरफ से ये हमारे मुल्क का फिजा खराब हो रही है। 4 टाइम्स जो है ना अकबर अवैसी साहब है यहाँ पर चन्ना गुट्टे से। 99 का इलेक्शन अमान खान साहब है, उसके बाद से कायम खान साहब है। आप फिर टक्कर पे आप उतरे अकबर अवैसी साहब? मैं किसी से टक्कर या टकराने के लिए नहीं उतरा हूँ, क्योंकि 4 बार मरहूम अमानुल्लाह खान साहब इसी हलके से जीते थे और 5वीं मरतबा वो बुरी तरीके से हारे, और उन्हें हराने वाले MLA साहब जो है ना हमारे अकबर अवैसी साहब हैं। आज हो सकता है 4 बार इनके भी कंप्लीट हो गए, अब इंशाल्लाह आवाम ईसा मिसरी को मौका देगी। उसकी बहुत बड़ी बुनियादी वजह यह है कि लोग अब चेंज चाह रही है, और यहीं पर ही नहीं तेलंगाना में पूरा चेंज आएगा। आपको इंशाल्लाह आने वाली कांग्रेस की हुकूमत होगी, अगर उस हुकूमत का मैं हिस्सा बनूंगा तो इस इलाके के अंदर बहुत सारे फायदे हमारी आवाम को मिलेंगे, और मैं भरपूरी ईमानदारी से मेरे अपने एरिए में, हल्के में मैं अपना डेवलपमेंट का काम करूँगा। और जीते तो कितने वोट से जीतना बोल के सोचा सर? मुझे तो ऐसी उम्मीद है कि अब तक जितने भी MLA जितने भी वोट लिए होंगे उससे कुछ ज़्यादा ही लेके मैं जीतूंगा, क्योंकि मुझे आवाम पे पूरा भरोसा है, आवाम चेंज चाह रही है, इसीलिए मैं आ गया हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आदाब हिंदुस्तान। ईसा मिसरी साहब बॉडी बिल्डर का जो है ना जवाब देने के लिए, जो कि कांग्रेस के टिकट पर चंदन गुट्टा रखने की लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं और उम्मीदें भी बड़ी बड़ी, आसें भी बड़ी बड़ी हैं, ईसा मिसरी साहब मशवरा है ये वक्त नहीं है कि इस तरीके की जो है ना हालात में जो आज हिंदुस्तान के और जो है ना तेलंगाना के हालात बने हुए हैं, इस मौजू पे आपके ऐसे स्टेटमेंट्स और अपने ख्वाहिशात को जो है ना इम्प्लीट करने के लिए कांग्रेस के टिकट पर आप लड़ने की जिद्दोजहद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा मशवरा आपको ये है, पहले तो मैं थोड़े सवाल आपसे करूँगा कि भाई आप बोल रहे हैं पब्लिक चेंज चाहती है, चेंज कहाँ की पब्लिक चाहती है? चंद्रयान गुट्टे की आवाम वहाँ के MLA से अकबरुद्दीन अयूबी साहब से इतनी खुश है, आप सर पटक लिए भी तो आपको वोट बैंक नहीं आता। इंशाल्लाह आप कोशिश ये करिए, अगर हमारी बात नहीं मानते हैं, लड़ना है आपको तो लड़िए, जमानत भी आपकी नहीं बच सकती, ये मेरा मशवरा है। आप जो है ना जो फील्ड में हैं, जो कारोबार है आपका, जो चीज़ें हैं आपके, उसमें ही रहिए इंशाल्लाह तो बहुत अच्छा रहता। मैं बोलना यही चाह रहा हूँ कि आप चेंज के बारे में बात करें, चेंज अगर एरिया डेवलप नहीं रहा तो आप एरिया डेवलप नहीं है, एरिया को डेवलप कर दो, डेवलपमेंट कहाँ पे बाकी रह गया भाई? डेवलपमेंट के लिए ज़रा मेरे को ये बताइए आप कि भाई डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे नहीं है, रोडों की बात कर रहे हैं आप फलाना। आज अगर हैदराबाद में सबसे अच्छी कॉन्स्टिटेंसी और डेवलपमेंट है तो वो चंद्रा नुट्टा कॉन्स्टिटेंसी में है। अच्छा, आप जो है ना चेंज की बात कर रहे हैं, आप जो है ना फिरका परस्ती जो है ना स्पीचों की बात कर रहे हैं, मेरे भाई हिंदुओं की ईद के लिए लड़के 2 दिन की छुट्टी दिलाए सो अकबरुद्दीन अवैसी साहब है। आज चंद्रन गुट्टे का हिंदू मुसलमान दलित जितने तबकात है, कुछ कम से क्रिश्चियन भाई भी हैं, थोड़े सिख भी हैं, तो वो लोग अपने MLA से बहुत ज़्यादा खुश है, और वन साइडेड जो है ना पोलिंग परसेंटेज बढ़ाते हुए जितने आप ही नहीं जितने जो है ना कैंडिडेट्स अकबरुद्दीन अवैसी साहब के अगेंस्ट में कॉन्टेस्ट करेंगे उन लोगों की जमानत नहीं बचेगी। डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं भाई, अल्लाह पाक का दिया आपके पास भी बहुत कुछ है, था भी प्रीवियस का तो मेरे को नहीं मानूं, प्रेजेंट में तो है भी, एक स्कूल बनाए किराए की बिल्डिंग पे लेके तो भी करे कुछ तो भी, एक मदरसा चला रहे। अब मैं बोला तो बहुत सारे जो है ना चीज़ें निकाल के आप लेके आएंगे, अरे मैं चला रहा हूँ कर रहा हूँ, वो मैं पब्लिक को आवाम को भी बेहतर मालूम है, सारे चीज़ें फॉल्स रहते। मेरा ब्रादराना आपको, आप मेरे भाई हैं और बड़े अच्छे अंदाज से आप बोलते कि भाई आपका भाई ईसा मिसरी, तो बिल्कुल मेरे भाई हैं आप, तो मेरे भाई ब्रादराना आपको एडवाइस ये है, अल्लाह पाक इज्जत से जो है ना आपको सरफराज करा तो उसकी जो है ना आप रख लीजिए,
ये जाहिलाना कामों से, देखिए कुछ हासिल होने का नहीं है मेरे भाई, ये वक्त नहीं है, ये वक्त आज देखो आप हिंदुस्तान में सारे जो है ना दलित असदुद्दीन अवैसी साहब को एएमएम पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, सारे जो है ना हिंदू भाई, इवन तेलंगाना में पूरे हिंदू भाई जो है ना असदुद्दीन साहब और अकबरुद्दीन साहब को उनकी कारकर्दगी को सलाम कर रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं डेवलपमेंट। अरे भाई आपको अगर इतनी ख्वाहिश है कम्युनल के ऊपर आप जा रहे हैं तो राजा सिंह से बड़ा कौन है कम्युनल? राजा सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी गोशामहल से डाल लेना था नॉमिनेशन, आप गोशामहल से जाके टिकट ले लेना था, कांग्रेस का उतना स्ट्रांग कैंडिडेट भी नहीं है वहाँ पे, ले लेके वहाँ से कॉन्टेस्ट करना था क्या भाई? आपस में देखिए ये वक्त नहीं है मेरे भाई, आपके जरिए आपको बोलते हुए मैं सारे हिंदुस्तान की आवाम को कहूँगा कि वक्त नहीं है, आपको सोचने की ज़रूरत है हिंदुइज्म को बेस बना के थोड़े कम्युनल लोगों को ले लेके जो कम्युनल माइंड रखने वाले हिंदू हैं, जैसे कि मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि 10 लाख अगर जो है ना हिंदू हैं तो उसमें जो है ना एक 10% 1-2 लाख जो है ना ये है कम्युनल माइंड रखने वाले हिंदू हैं, उनको लेके फिरकावारियत फैला के मोदी जो है ना जाके प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो अब इससे क्या बदतर दिन होना मेरे भाई, इससे क्या? अच्छा दलितों को, हम लोग दलितों के हक़ के लिए लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी लड़ते रहेंगे असद साहब इंशाल्लाह सारे। आज देखिए आप दलितों की बात करने के वास्ते हम भी बात कर रहे हैं, असद साहब बात कर रहे हैं पार्लियामेंट में, अकबर साहब बात कर रहे हैं असेंबली में, भाई सच्चार कमेटी की रिपोर्ट है, श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट है और कई रिपोर्ट्स हैं ऐसे जिसके अंदर बताया ये कि आज मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है। आपको प्रॉब्लम है कुछ तो भी यहाँ पे चंदन गुट्टे में कुछ प्रॉब्लम है, भरपेट खा रहे हैं नींद भर के सो रहे हैं ना, कई को डिस्टर्ब भाई, कई को डिस्टर्ब। ये वक्त तो ये था आप खांधे को खांधा लगा के अकबरुद्दीन साहब के साथ बोलते कि एमआईएम जिंदाबाद इंशाल्लाह, मेरे जितने व्यूअर्स हैं 7 लाख व्यूअर्स भाई इंटरटेन्ड है जी, वो सोशल नेटवर्किंग है, 7 लाख मेरे व्यूअर्स है मेरे को बहुत खुशी होती, 5 लाख मेरे व्यूअर्स है मेरे को, आप देखिए जाके दूसरों के जलसों में भी बहुत रहती, मैं नरेंद्र मोदी के जलसों में जो है ना लाखों की पब्लिक रहती, दूसरों के जलसों में भी बहुत लाख, शब्बीर अली के जो है ना आपके जो इंचार्ज है उनके नहीं बहुत पब्लिक रहती, जीतते कौन भाई, जीते हुए एमएलसी है ना उन्होंने क्या असेंबली में आते, उन अब के भी नहीं आते, जमानत जब्त है जो, और ये जो है ना माजरत के साथ बोल रहा हूँ आपको, एक अच्छा जोक रहा आपका कि तेलंगाना में जो है ना और सेंट्रल में, सेंट्रल का तो मैं उतना बड़ा आपके उतना बड़ा लीडर नहीं हूँ मेरे बड़े भाई, मैं जो है ना स्टेट की बात करा तो कांग्रेस को बहुत बुरी हार का और बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा तेलंगाना में इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और मैं बोल रहा हूँ सो बात आप याद रख लीजिए, इंशाल्लाह कभी मुलाकात हुई तो एक दूसरे से बात भी करेंगे इस मौजू पे कि कांग्रेस की क्या गत होने वाली है और क्या गत हो गई इंशाल्लाह। तो मेरा मशवरा ये है आपसे ही नहीं, आपके जरिए सारे कैंडिडेट से जो मजलिस के अगेंस्ट है बात कर रहे हैं, बात में समझ में नहीं आ रहा, बी पी है हो जा रहा जो है ना, शिर्क में मुतला हो जा रहे हैं, बिद्दत में मुतला हो जा रहे हैं, मैं वो चीज़ों को जो है ना वो अल्लाह उसका हिसाब लेगा, याकूतपुरे की तकरीर के बारे में बोल रहा हूँ लेकिन उसका अल्लाह ताला हिसाब लेंगे, वो उनको देने का है, जान दो भाई हमारे को कुछ भी नहीं, सियासत में इस्लाम को लाने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। तो डेवलपमेंट की बात, फिरकावरियत की बात, ये सारे बातों में फिर से एक बार बोल रहा हूँ, इतने ही अगर था मेरे भाई तुम गोशा महल जाते और मैं तुम्हारे खांधे को खांधा लगा के ठहरता कि भाई इनको उड़ दियो, मेरे जितने व्यूअर्स हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता, लेकिन ये टाइम नहीं है जमात के अगेंस्ट जाके, आप जमात के अगेंस्ट जाना ये है आप मुसलमानों के वोट की जितने वोट डिवाइड होंगे उसकी सौदेबाजी, आप जमात के अगेंस्ट जाना आने वाली जनरेशन का डेवलपमेंट रोकना है, आप जमात के अगेंस्ट जाना सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट जाना है। इतना कहते हुए मेरा मशवरा है ब्रादराना आगे तवक्कल तो अल्लाह मेरे भाई, इज्जत को संभालो, अपनी व्यूवर्स है वो सोशल नेटवर्किंग है, 7 लाख है 10 लाख है 70 लाख है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, प्रैक्टिकली चना उट्टे से टोट मिलने का है ना, चना उट्टे की पूरी आवाम अकबर साहब के साथ है और जय जयकार है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो आगे भी रहती, आप 4 देख रहे हैं अकबर साहब जब तक हयात में, अकबर साहब इंशाल्लाह उसके बाद में ता खयामत तक, जब तक सियासत जिंदा रहेंगी, जब तक मजलिस जिंदा रहेंगी, जब तक सियासत जिंदा रहेंगी, मजलिस के जितने उम्मीदवार है इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप भी देखेंगे इंशाल्लाह जो है ना बहुत भारी अक्सर इससे जो है ना तेलंगाना पे गवर्नमेंट बनेगी और मुस्लिम लीडर जो है ना मुस्लिम लीडरशिप आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह, हिंदुस्तान पे पूरे झंडे गाड़ेंगे।